नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, फिटकरी का उपाय और इसका उपयोग अनेक कामों में किया जाता है। ये लगभग हर घर में पाई जाने वाली वस्तु है। मान्यता है कि इसे नेगेटिव एनर्जी को सोखने की क्षमता भी होती है, इसीलिए अनेक ज्योतिषीय और वास्तु उपायों में इसका उपयोग किया जाता है। आज हम आपको फिटकरी से जुड़े हुए कुछ ऐसे ही आसान, सरल लेकिन बहुत ही उपयोगी उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन में खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं और अपार धन संपदा भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए आपको एक उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको जिस दिन भी उपाय करना हो, उसे एक दिन पहले ही थोड़ी सी फिटकरी टुकड़ों में, जो टूटी हुई हो, पिसी हुई फिटकरी नहीं लानी है, टुकड़ों में टूटी हुई फिटकरी आपको लेकर आनी है और एक कांच के बर्तन में थोड़े थोड़े टुकड़े रख करके इन्हें अपने खिड़की, दरवाजे या फिर अपने घर की बालकोनी के पास किसी कोने में इसे रख दें। आप चाहें तो इसे कांच की कटोरी में या कांच की प्लेट या कांच के गिलास में भी इसे रख सकते हैं और इस प्रकार से रखें कि हर किसी को जल्दी से नजर ना आए और वहीं ऊपर या किसी भी कोने में इसे रख दें। इन तीनों जगहों पर या फिर किसी भी एक जगह पर आप रख दें, क्योंकि दोस्तों, आपके घर में हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आने का रास्ता आपके घर का मुख्य दरवाजा, कमरे का दरवाजा, खिड़की या फिर आपके घर की बालकनी ही होती है। इसीलिए आप इस फिटकरी को वहां रख दें और हर महीने इसे बदलते रहें। इससे आपके घर के अंदर प्रवेश हो चुकी हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी और बाहर से आने वाली हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी यह फिटकरी अपने अंदर सोख लेगी और इसे फिर बहते हुए जल में प्रवाहित करके अपने घर से निकाल दे और इसके स्थान पर नई फिटकरी रख दे। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसे की आवक कम हो गई है, यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में अब पैसा आना कम हो गया है या फिर घर में पैसा आता है लेकिन टिक नहीं पा रहा, तो इसके लिए आप क्या करें, आप बाजार से 50 ग्राम फिटकरी का एक टुकड़ा ले आएं। टुकड़ा थोड़ा बहुत अगर ज्यादा या कम भी हो तो कोई बात नहीं, अगर कम ना हो तो अच्छा है, थोड़ा ज्यादा हो कोई बात नहीं, आप लेकिन 50 ग्राम के लगभग अंदाजे से एक टुकड़ा फिटकरी का आप ले आएं और इसको अपने घर में लाने के बाद कई हिस्सों में तोड़ लें और इसके बाद आप इसे अपने कमरे में और जहां कहीं भी आपकी ऑफिस है, आप इसे थोड़ा सा टुकड़ा वहां पर छुपा करके रख दें और एक टुकड़ा अपने घर के किचन में छुपा दें। इसके लिए आपको किसी भी कांच के बर्तन या किसी और प्रकार के बर्तन की जरूरत नहीं है। आप इसे अपने घर में जहां आपका बेड है उसके नीचे कहीं डाल दें, अपने किचन में किसी कोने में रख दें और ऑफिस में भी कहीं छुपा करके रख दें, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो जहां भी आप बिजनेस करते हैं वहां कहीं किसी कोने में इसे छुपा कर रख दें। खासकर से अगर आप गल्ले में रख सकते हैं, जहां पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं तो और भी उत्तम है। दोस्तों, ये आपके घर और ऑफिस और किचन के माध्यम से आने वाली हर जो पॉजिटिव एनर्जी जो अब तक ब्लॉक हो रही थी उसे रोक लेगा, उसे आने देगा आपके घर में और नेगेटिव एनर्जी को रोक करके आपके घर में सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिससे आपके जीवन में हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी की वजह से जो नुकसान हो रहा था, पैसे की आवक कम हो रही थी, वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और उपाय है जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, जल एक ऐसी वस्तु है जो कि हर प्रकार की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करता है। आपने देखा होगा कि जब भी आप थके हारे होते हैं तब आप एक बार अपने मुंह हाथ धोते हैं या फिर स्नान कर लेते हैं, उसके बाद आपका शरीर पूरी तरह से तरोताजा और ऊर्जावान हो जाता है। उसी प्रकार से क्या आपने सोचा है कि यह ऊर्जा आती कहां से? यह ऊर्जा आपके घर के बाथरूम से आती है, जहां पर जल का प्रभाव निरंतर होता है। लेकिन अगर वहां पर ऊर्जा में रुकावट हो जाए तो आपके पूरे घर में प्रवाहित होने वाली सकारात्मक ऊर्जा के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ लड़ाई झगड़े, ग्रह कलेश, धन की कमी, कर्जा आदि समस्याएं होने लगती हैं। तो इन सब से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक कांच के कटोरे में थोड़ा सा समुद्री नमक या फिर अपने घर में खाने वाला सेंधा नमक जो होता है उसे आपको भर लेना है और उसके ऊपर 5 टुकड़े आपको फिट करके रख देने हैं और इस कटोरे को कहीं ले जा करके बाथरूम के किसी कोने में रख देना है और पूरा एक महीने के बाद आपको इन टुकड़ों को उठा करके किसी भी काले रंग की पॉलोथीन या फिर कपड़े में इन्हें डाल करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, उस काली पॉलोथीन या फिर काले कपड़े के साथ ही।
हो सके तो आप पॉलिथीन की जगह काले कपड़े का इस्तेमाल करें और इसके स्थान पर नई फिटकरी व नमक आपको अपने घर की बाथरूम में रख देना है। देखते ही देखते आपके जीवन में बदलाव होने लगेंगे। दोस्तों, हर प्रकार की बुरी नजर से मुक्ति पाने के लिए काले रंग को विशिष्ट रूप से प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर या फिर आपके व्यापार को किसी की बुरी नजर लग रही है या फिर लग चुकी है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करें, एक काले रंग के कपड़े में थोड़ी सी फिटकरी को बांध करके अपने घर की या फिर दुकान के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके घर मकान में या फिर आपके दुकान में कभी किसी की नजर नहीं लगती है। इसके अलावा अगर आप अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके नहाते हैं, तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह अगर आपके अनुकूल नहीं चल रहे हैं, आपको विपरीत फल दे रहे हैं। दोस्तों, अगर शुक्र ग्रह आपके कुंडली में अनुकूल ना हो तो आपको भोग विलास जैसे घर, मकान, गाड़ी, वाहन, पत्नी सुख, पुत्र सुख, पुत्री सुख या फिर विवाह आदि में अड़चनों का आपको सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप नहाने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके सुबह सुबह से स्नान करा करें। इससे आपके सभी शुक्र दोष दूर हो जाते हैं और धन का लाभ भी होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपके सिर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है और लाख कोशिश करने के बाद भी वह उतरा नहीं जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करें, यह एक खास और गुप्त उपाय है। दोस्तों, इसे ध्यान पूर्वक सुने। दोस्तों, इसके लिए आपको एक पान के पत्ते पर थोड़ी सी फिटकरी और उस पर एक चुटकी सिंदूर डाल करके इसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे दबा आना है और पीपल के पेड़ की ओर मुख करके अपने कर्जे का जल्दी निवारण के लिए प्रार्थना करनी है। आपके मन में जो भी बात हो, कर्जे को संबंधित लेकर कोई भी बात हो, आप पीपल के पेड़ से कह दे और अपने घर बिना पीछे मुड़े देख करके अपने घर वापस आ जाएं। जल्द ही आपके कर्जे से मुक्ति आपके सामने होगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया फिटकरी के विभिन्न उपाय जिन्हें करने से आप अपने जीवन में सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय बजरंगबली।